तो SDL से देख लिया था हम कैसे डेवलपमेंट करते हैं, बाकी जो एक्सट्रैक्शन है और बाकी जैसे अप्रोच कर रहे हैं हर जगह वो मोर और लेस सेम रहने वाला है, कि चाहे LSD से करूं मैं या फिर गैदरिंग आर्म लोडर शटल कास्ट से करूं, स्क्रैपर से करूं, हर जगह बोर्ड एंड पिलर का डेवलपमेंट मेथड सेम रहने वाला है। तो हमने जो किया था वो एक बार मैं रिवाइज भी करा देता हूँ, कि बोर्ड एंड पिलर वाला देख रहे थे कि हम लोग कैसे बोर्ड एंड पिलर को डेवलप करते हैं और उसके साइक्लिक ऑपरेशन यानी कि जो स्टेजेस हैं क्या क्या है उसमें, कौन कौन से ऑपरेशन से जो हम परफॉर्म करते हैं और जो रिपीट करते हैं बार बार। जैसे एक साइकिल होता था ना, अभी जैसे लॉन्ग वाला पढ़ा है हमने, शेयर का एक साइकिल था, यूनि डायरेक्शनल है बाई डायरेक्शनल साइकिल। एक चीज़ याद रखना, साइकिल मतलब होता क्या है। तो साइकिल मतलब जब हम लोग बात कर रहे हैं तो कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लो, वहां से वो चीज रिपीट होनी चाहिए। जैसे इस वाले केस में हमारे पास क्या है साइक्लिक ऑपरेशन में, तो पहले हम लोग जो कर रहे हैं ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर इसकी बात करें कि मेथड ऑफ जो डेवलपमेंट है वो तो ये हो गया। फिर हाँ, तो पहला काम कर रहे हैं हम लोग ड्रिलिंग, दूसरा जो चार्जिंग कर रहे हैं उसको जो ड्रिल्ड होल है, और फिर ब्लास्टिंग, P5 टाइप एक्सप्लोजिव जो है उसको चार्ज कर रहे हैं उसमें, और उसके बाद ब्लास्ट कर रहे हैं। डिग्री ऑफ गैसनेस पर डिपेंड करेगा कैसे कर रहे हैं, उसके बाद फ्यूम को क्लियर होने दे रहे हैं, और इसके बाद स्केलिंग भी करते हैं कि मतलब जो लूज है वॉल पे कहीं ऐसा ना हो कि वो जब हम अप्रोच करें तो वहाँ से गिर जाए। स्केलिंग करने का मतलब कि जैसे कुछ ऐसे हैमरिंग टाइप करना, और जो भी लूज मटेरियल है, जैसे यहाँ पे कुछ लूज मटेरियल होगा ना साइड में, जो भी लूज मटेरियल है उसको, सपोज मेरे पास एक स्टिक है या फिर जो भी है एक रॉड टाइप है, उस रॉड टाइप से मैं इसको हैमर करके देख रहा हूँ कहीं लूज तो नहीं है, अगर होगा तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा। और फ्यूम क्लियरेंस कर लिया, फिर लोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन है। तो तीसरा ये, देन चौथा लोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद जो अगला आता है सपोर्टिंग, तो ये सब हैं जो रिपीट होते हैं, मतलब ये ऑपरेशन है उसके बाद यही फिर रिपीट होगा। जैसे कर लिया हमने सपोर्ट कर लिया, फिर उसके बाद अगला बार चार्ज करें ड्रिल करेंगे, फिर चार्ज और ब्लास्ट करेंगे, फिर फ्यूम क्लियर होने देंगे। तो जो एक साइकिल है उसमें प्रोडक्शन जो होगा अब फिर वही वाला जो है रिपीट होगा। जब आपसे पूछेगा आवरली प्रोडक्शन कितना है तो उसके हिसाब से हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। तो आपने इसके बारे में पढ़ लिया, अब दूसरा है LSD से कैसे कर रहे हैं। तो LSD बेसिकली टायर माउंटेड होता है, टायर माउंटेड पहली चीज ये, और टायर माउंटेड तो है, इसका बकेट कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। ग्रेटर बकेट कैपेसिटी एज कंपेयर टू, जो किससे कंपेयर कर रहे थे पहले वाला क्या पढ़े थे, एसडीएल साइड डिस्चार्ज लोडर में, और इस वाले केस में भी वही है कि हाइड्रोलिक अरेंजमेंट है ये आगे वाले, और उस हाइड्रोलिक सिलेंडर के हेल्प से इसको रेज करेंगे बकेट के ऊपर की तरफ, वो फिर उसके बाद टिल्ट करके इसको डब कर देंगे जहाँ पे करना होगा। और जो बकेट कैपेसिटी होता है इसका जनरली, तो इंडियन कंडीशन में जो जनरली लेते हैं कि 2.5 क्यूबिक मीटर, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं है, 2.5 टू 3, 3.5 क्यूबिक मीटर।
तो क्योंकि बकेट कैपेसिटी इसका ज़्यादा है पहली चीज़, दूसरा इसका स्पीड ज़्यादा है टायर माउंटेड, तो स्पीड जो है वो ज़्यादा होगा टायर माउंटेड, सो द स्पीड इज ग्रेटर देन एसटीएल। तो जब माइन प्रोडक्शन बढ़ाने का वो प्रेशर था कि अब प्रोडक्शन जो है जितना है हमारे पास चलता आ रहा है वैसे काम नहीं चलेगा, डिमांड नहीं बढ़ रही है तो हमें प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तो धीरे धीरे एसडीएल से हम लोग एलएसडी की तरफ मूव कर रहे हैं, और बारिंग दोज कंडीशंस जहाँ पे मतलब वो कंडीशन छोड़ दे जहाँ पे एसडीएल ही हो पाए, ग्रेडियंट कुछ ऐसा है अंदर की हमें एसडीएल यूज़ करना पड़ेगा, वाटर कंडीशन है फ्लोर पे तो उस केस में हमें एसडीएल यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ एप्लीकेबल था जहाँ पे हम लोग पहले एस डी एल यूज़ कर रहे थे, अब हम लोग वहाँ पे अगर एप्लीकेबल है तो एल एस डी यूज़ करने पे आ गए, क्योंकि बकेट कैपेसिटी ज़्यादा है इसका, टायर माउंटेड है, फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है इस केस में, तो ये जैसे कि ये दिख रहा है कैसे है अलग अलग। ठीक, तो ये क्या है, एक फ्रंट एंड लोडर है। फ्रंट एंड लोडर का मतलब कि ये वाला जो आगे वाला जो बूम है ये इसको आगे ले जाके आगे से डंप कर रहा है, तो जैसे बाकी सब जो फ्रंट एंड लोडर होते हैं वैसे ही है, जो लोडिंग भी करता है हॉलिंग भी करता है डंपिंग भी करता है। अच्छा, ये सब अलग अलग ऑपरेशन है इसको। जैसे लोडिंग हॉलिंग और डंपिंग जो है अलग है, और ये वाली जो मशीन है ये क्या कर रही है, लोडिंग हॉलिंग और डंपिंग तीनों कर रही है, और एसडीएल का भी काम था, एसडीएल और एलएचडी इन दोनों का काम क्या है कि लोड भी कर रही है, लोड कैसे कर रही है, खुद बकेट को जाकर वहां उसमें फिक्स कर रही है, और उसके बाद मटेरियल जो भी हमने ब्लास्टेड ऑफ मटेरियल है या फिर जो लूजन मटेरियल है उसमें जाके बकेट हम लोग फिक्स कर रहे हैं, पुश कर रहा है उसके अंदर, फिर रेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोडिंग हो जा रहा है, फिर उसको बकेट को रेज करके कुछ डिस्टेंस पे जाके, जैसे ये वाला एलएसडी वाले से एसडीएल वाले से दिखाता हूँ, तो यहाँ पे बकेट से जैसे यहाँ से फेस से उठाया, फेस से उठा के बकेट फिल किया, फिल करने के बाद उसको रेज करके ऊपर की तरफ फिर टर्न किया, टर्न करके यहाँ पे आके डंप कर रहा है यहाँ पे कन्वेयर पे, तो लोड किया फिर चल के आया हॉल करके आया फिर यहाँ पे आकर डंप भी किया। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाकी इसके बाद जो आगे वाला कॉम्बिनेशन है जैसे गैदरिंग आर्म लोडर है, तो गैदरिंग आर्म लोडर का क्या है कि लोड कर रहा है, बाकी सब जो उसके पीछे हमने शटल कार लगा रखा है वो अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, तो ये सब जो मशीन्स हैं दोनों एक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। और तो इसके वजह से क्या होता है कि ये दोनों एक्शन जो परफॉर्म करता है, जो शटल कार है और जो लोडिंग मशीन है, जो इससे कि इसे आगे वाले कॉम्बिनेशन में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उस केस में गैदरिंग आर्म लोडर प्लस शटल कार, तो गैदरिंग आर्म लोडर प्लस शटल कार देखेंगे कैसा दिखता है वो, क्या होता है वो, तो उस वाले केस में बस इसका काम लोडिंग वाला हो जाता है और शटल कार का काम जो हो जाता है इसमें कि वो हॉल कर रहा है और डंप कर रहा है। ठीक, तो टायर माउंटेड है, फोर व्हील ड्राइव है और लो प्रोफाइल है जो कि नैरो गैलरी में भी टर्न कर सकता है। हाँ, तो जो मेन फीचर है एलएसडी के कि जो टेलीस्कोपिक बूम है आगे की तरफ और विथ बकेट है जो कि 20 डिग्री जो है हॉरिजेंटल से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे वो स्विवल, मतलब ये बताया था मैंने जब उस समय अगर ये टॉप व्यू देखें हम लोग, ये टॉप व्यू देखूं मैं सपोज ऐसे करके ये अपना आगे की तरफ बकेट है और ये इधर टायर माउंटेड है, फोर व्हील ड्राइव है ये, तो 20 डिग्री इधर 20 डिग्री इधर थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकता है। ठीक, तो लोडिंग ऑपरेशन जो है सिंगल पोजीशन पे हम लोग इसको करके हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत टिल्ट करके कर सकते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे काम करता है कि जो दो हाइड्रोलिक मोटर लगे होते हैं जो कि
किससे कपल होते हैं कि आउटपुट शाफ्ट जो है इसका, मतलब जो इसको ट्रांसमिट कर रहा है पावर उससे, और पावर डिवाइडर, और उसके बाद इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक मोटर्स है, ये सब बाकी सब जो है मशीनरी वाले में अगर आएगा तो उसमें पढ़ेंगे डिटेल में ज़्यादा। ऑपरेशन में देखते हैं कि ये कोयला लोड करता है फेस से, हॉल करता है, फिर डिस्चार्ज करता है, या फिर चेन कन्वेयर पे, या फिर बेल्ट कन्वेयर पे, या फिर टब पे। और फिर वही कि अगर टब पे है तो उस केस में हमें हाइट ज़्यादा रख के डंप करना पड़ेगा, और अगर बेल्ट कन्वेयर है तो कम हाइट डंप करना पड़ेगा। और जो चेचिस चेचिस है इसका एलएसडी का, उसको हम लोग दो हाफ में डिवाइड कर रहे हैं, फ्रंट और रियर। और बकेट जो है फ्रंट वाले में जो फ्रंट फ्रेम है उस पर रखते हैं, और जो दो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स है, जैसे ये वाला डायग्राम देखो आप, साइड्स में दो दो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स है, उस पर हम लोग उससे हम लोग उसको रेज या फिर लोअर करते हैं। जैसे यहाँ पे साइड में लगे होंगे ना, इसमें इस वाले में क्लियर नहीं दिख रहा है। और जो बाकी जो रियर फ्रेम में का ऑपरेटर बैठा होता है, जहाँ पे वो वहाँ से ऑपरेट करता है, और आर्टिकुलेटेड ज्वाइंट, जैसे आर्टिकुलेटेड ज्वाइंट को मतलब हम लोग बात कर रहे थे, तो ये देखो यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट है कि फर्स्ट और सेकेंड हाफ जो है दोनों अलग अलग है, और ये ज्वाइंट है, और जिसके वजह से जो इधर उधर थोड़ा सा वो जो स्विवल कर रहा था उसके वजह से कर रहा था। ब्रेक क्या है उसमें, या तो मेन स्पेसिफिकेशन जो है कि जो ओवरऑल लेंथ है लगभग 5.5 मीटर के लगभग है, और फिर ग्राउंड क्लियरेंस यानी कि नीचे से कितना उसको रह चाहिए 0.2 मीटर, विड्थ 1.5 मीटर, और जो डंपिंग रेडियस वो तो ठीक है, और बकेट कैपेसिटी तो हमने देखा है कितना है लगभग। एप्लीकेबिलिटी कंडीशन कितना है, ग्रेडियंट 1:8 या फिर फ्लैटर होना चाहिए। और इससे पहले वाले में अगर आप इसका एसडीएल का देखो तो उस केस में जब 1:5 और 1:6 या फिर उससे फ्लैटर होना चाहिए था, तो एसडीएल के क्रॉलर माउंटेड है तो वो ज़्यादा फ्लैट पे भी ट्रेवल कर पाएगा। तो एक जो है वन इन फाइव और सिक्स लिख देते हैं जनरली, और ये 1:8। वन इन एट ठीक, मतलब इसका ये हुआ कि अगर ये इस पे जा रहा है ये एलएसडी, तो इसके केस में फ्लैटर ग्रेडियंट चाहिए होगा। और अगर ये क्रॉलर माउंटेड है और उस पे अगर ये एसडीएल जा रहा है, तो वो थोड़ा सा स्टीपर ग्रेडियंट पे भी चला जाएगा। और क्योंकि उसका हाइट है अलॉन्ग विथ क्लियरेंस, और जिस पे ऑपरेट कर रहा है टर्निंग रेडियस को कंसिडर करते हुए, जो गैलरी विड्थ जो चाहिए 4.5 मीटर या फिर उससे ऊपर, और हॉल डिस्टेंस कितना मैक्सिमम वो लोड बकेट लोड करके और कहाँ तक ले जाकर डंप कर पाएगा ताकि वो एफिशिएंटली ऑपरेट कर पाए, तो 100 मीटर या फिर 100 मीटर से कम पे कर पाएगा। फिर वही वाला जो लेआउट है इसका, बाकी सब सेम है, बस फीचर्स जो हैं वो वेरी कर रहे थे, और फीचर्स वेरी कर रहे हैं तो प्रोडक्शन जो रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वो भी वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ से डेवलप करते हुए आ रहे हैं, सेम वही ड्राइवेजेस वैसे ही हैं कि हम लोग अलॉन्ग द स्ट्राइक या फिर जो लेवल गैलरीज है ये डेवलप करके आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और ये बाकी जो डिप्राइज गैलरी है उससे हम लोग इंटर कनेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एंटर पे। सपोज अगर पिलर लेंथ है या फिर पिलर डायमेंशन है 20x20 या फिर 30x30, तो 20 और 20 करके फिर कनेक्ट करते हुए चलेंगे।
जो गैलरी विड्थ डिजायर्ड है 4.2 मीटर, तो जैसे इस वाले केस में 15.6 रखा हुआ है हमने, तो जो गैलरी विड्थ डिजायर्ड है उतना गैलरी विड्थ छोड़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते चलेंगे, और फिर ये फिर वही वैसे ही। और क्योंकि इस वाले केस में एलएसडी सीधा ज़्यादा डिस्टेंस तक ट्रेवल करके उसको डंप कर सकता है, तो अप टू 1 पिलर जैसे वो कर रहा था एसडीएल, तो इस वाले केस में अप टू 2 पिलर्स वो इजीली निगोशिएट कर सकता है। तो अगर इसका प्लान और उसका प्लान में डिफरेंस देखोगे तो लाइट ड्यूटी डबल चेन कन्वेयर और उस केस में एलएसडी के केस में उसकी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। तो जैसे इसके बारे में देखो आप, तो क्योंकि ये अप टू 1 पिलर इजिली ट्रेवल कर पाएगा और उससे ऊपर जाता है, तो क्योंकि ट्रैवलिंग आना जाना ही उसका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो जाएगा, तो इसके वजह से वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होता है, तो इसके वजह से। और ये बार बार ये कन्वेयर को एक्सटेंड करना भी चैलेंजिंग है, अगर ये जो मीडियम ड्यूटी डबल चेन कन्वेयर है उसको बार बार एक्सटेंड करेंगे तो उसमें जो टाइम कंजम्पशन है वो भी ज़्यादा है। तो उसके वजह से हमने क्या किया है कि पहले ही यहाँ पे हमने लाइट ड्यूटी डबल चेन कन्वेयर लगा कर रखा हुआ है, और इस कन्वेयर को थोड़ा बहुत हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं, इसके वजह से इसको एक्सटेंड करते चल रहे हैं। और हर तीसरे पिलर पे हर जो भी डिसाइड होगा पिलर, वो तो लेंथ पर डिपेंड करेगा, बट हर दूसरे तीसरे जो पिलर विड्थ है उसके बाद हम लोग इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ठीक। और क्योंकि ये अप टू 2 पिलर एलएसडी जो है अप टू 2 पिलर निगोशिएट कर पा रहा है, तो ये इजिली जो ट्रेवल कर पाएगा यहाँ तक अपना ट्रेवल करके कट करके और खुद ही हॉल करके लाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे लाकर जो भी लोडिंग पॉइंट होगा वहां पे ले जाकर डंप कर देगा। तो लोडिंग टाइम अगर हमको एस्टिमेट करना है तो मैक्सिमम लीड डिस्टेंस सपोज 100 मीटर है, मतलब लेके जा रहा है सपोज इस फेस से लेके जा रहा है, मैक्सिमम जब जहाँ पे यहाँ पे पहुंच रहा है तो उस केस में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस उसका 100 मीटर है, और जो एवरेज लीड डिस्टेंस है कि 70 मीटर के लगभग दोनों मिला के, क्योंकि पहले डिक्रीज कर रहा है इंक्रीज भी कर रहा है, तो अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे देखोगे आप कि इधर भी कम है, फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कम था, फिर उसके बाद इधर ज़्यादा था, फेस जैसे जैसे दूर जा रहा है वो डिस्टेंस इंक्रीज करता जा रहा है, इनिशियली कम है बाद में इंक्रीज कर रहा है। और जो एवरेज स्पीड है इसकी तो वो 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देख लेते हैं, तो जितना है उसके हिसाब से कैलकुलेट कर लिए तो 1.4 मीटर, और बकेट लोडिंग और अनलोडिंग टाइम 1 मीटर और 1 मिनट, और जो टर्निंग टाइम है फिर 1 मिनट जो वो जैसे देता है कि साइकिल टाइम कैलकुलेट करने के लिए, तो टोटल साइकिल टाइम हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर पाएंगे कि एलएसडी कितना होता है, लगभग 3.5, 1 घंटे में कितने ट्रिप कर पाएगा, तो 17 अराउंड 17 ट्रिप कर पाएगा, ठीक। ये कैलकुलेशन समझ में आया? एलएसडी सब मिल जाएगा ना, बट एफिशिएंसी कम हो, एफिशिएंसी किस किस में? वेस्ट का तो व्यू गलत डायग्राम है सर, अच्छा ये क्या बोल रहे हैं? हाँ नहीं वो तो देख रहा हूँ कि ये सब ये दोबारा से मिल गया ना, कितना स्पीड है उसकी, हाँ वो सब पूरा डायग्राम दिखा दिया, अच्छा बाद में आया हो गया आप, टायर माउंटेड ही है ना, जी ना आप भी बाद में आया लग रहा है, हॉल मीन्स ठीक है, ये तो हो गई, क्या वेज का डायग्राम गलत दिख रहा है, किसके वेज की बात कर रहे हैं, हम तो एलएसडी पढ़ रहे हैं ना, अच्छा इसके ऊपर वाला जो था कहाँ गया, अच्छा ये वाला, वो मैं बस ये समझाने का ऑब्जेक्टिव नहीं था, बस ऐसे ही कॉपी कर दिया था कि एक ड्रिलिंग पैटर्न देखे कि मतलब ये ड्रिलिंग कर रहे हैं हम लोग, वो सब दिखाने के लिए ड्रिलिंग कर रहे हैं ये दिखाने के लिए बस। एक बार कैलकुलेशन और रिपीट कर दीजिए, जो
एक जो क्वेश्चन आपने पूछा है कि हॉल मतलब क्या होता है, कि जब हम लोग बोल रहे हैं कि हॉल कर रहा है, लोड हॉल और डंप तीन चीज कर रहा है ना उसमें, तो इसके वाले में दिखाता हूँ कहाँ पे हॉल है। अच्छा रुक जाओ, तो चलो इससे काम चल जाएगा। ब्रांड बना रहे हैं लोग, ये देखो ये तो खिलौना हो गया ना, ये तो उसका होगा भी या नहीं होगा ये भी तो देखना पड़ेगा। ये तो है, अच्छा अब जब हम लोग बोल रहे हैं ना कि LSD है, लोड भी कर रहा है, हॉल भी कर रहा है, डंप भी कर रहा है, तो लोडिंग कैसे कर रहा है? पहली बात कि इसको इसमें पुश कर रहा है, खुद ही टायर माउंटेड है तो ट्रैक्शन की वजह से आगे की तरफ पुश करेगा। फिर जो हाइड्रोलिक सिलेंडर्स हैं उसको ऑपरेट करेगा, तो इसके जो कैबिन में बैठा है यहाँ पे ऑपरेटर, उसके हाथ के पास होगा जो भी इक्विपमेंट वो होगा, कंट्रोल सिस्टम होगा, जॉयस्टिक होगा, जैसे भी उसको ऑपरेट करने के लिए होगा, उसके हेल्प से ये ऊपर की तरफ इसको पुश करेगा। ये लोड किया, अब लेके जा रहा है उसको डंप करने, ये हॉलिंग कर रहा है। जहां से लोड करके, ऐसा नहीं है कि अब जैसे वो डंपर है, डंपर और ट्रक वाले केस में और सॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन में, तो सॉवेल क्या कर रहा था, वो लोडिंग कर रहा था और वो वहीं पे खड़ा था उसी पॉइंट पे, बस कहीं आ जा नहीं रहा था, टू एंड फ्रो मोशन उसका नहीं था। जबकि हॉल का मतलब कि जो डंपर है उसके बिहाफ पे क्या कर रहा था, जा रहा था डंप करके फिर वापस आ रहा था, ठीक। तो हॉलिंग भी कर रहा था प्लस डंपिंग भी कर रहा था। तो इस वाले केस में अगर आप नोटिस करोगे तो लोड खुद ही किया अपने बकेट को, बकेट को लोड करने के बाद खुद ही और उसके बाद फिर डंप करके फिर वापस रिटर्न भी आएगा, बकेट रेस किया फिर हॉल करके वो जा रहे हैं, फिर ट्रैवल कर रहा है। जॉय से एक्सीडेंट कर रहा है, वो सब नहीं। ये जो आर्टिकुलेटेड बोल रहे थे अरेंजमेंट यहाँ से था, ये इस साइड में जिसके वजह से वो टर्न कर पा रहे हैं, इसलिए
मतलब दो हाफ में है और उसको ज्वाइंट किया गया। अभी क्लियर हुआ ना लॉर्ड हॉलमबर्ग में मतलब क्या होता है? ठीक है वो तो हो गया। नहीं नहीं कभी नहीं, कभी नहीं पूछता है, लेकिन एक आइडिया रहना चाहिए करने के लिए। हाँ, वो उसी के पेल ऑर्डर जैसा ही या फिर विल ऑर्डर जैसा ही है। इफिशियंसी कम होगी ऐसा नहीं है, और टायर माउंटेड में और क्यों इफिशियंसी कम होगी ये नहीं है। वो टायर माउंटेड मतलब गाड़ी में समझ जाओगे, आपके अंदर ये जो गाड़ी है हम लोग हैंडल कर रहे हैं वैसे स्टीयरिंग से वैसा नहीं होता है, ऐसे चलता है वो। ड्राइवर को साइड में है ना वो, उसको हल्का सा उठा के वो देख रहा है। सब कितना एंगल पे घूमा है वो, गैलरी वैलरी का डायरेक्शन जो होगा उसके हिसाब से नहीं। ठीक है कि ये, हाँ तो ये देख लिया लोड हॉल नंबर, और साइकिल टाइम जो है किसी ने पूछा था कि साइकिल टाइम कैसे कर, तो ये जैसे कि लीड डिस्टेंस मतलब कितना उसको मैक्सिमम जाना है, और या फिर मिनिमम कितना होगा, तो मिनिमम मैक्सिमम दोनों वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से कटिंग स्टार्ट हुई, यहाँ से करके डंप कर रहा है, फिर धीरे धीरे करके डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, फिर मैक्सिमम जाके कहीं आएगा। तो ये जैसे 15 का है तो उसके हिसाब से आप देख लो 20-20 के लगभग, तो मैक्सिमम उसको जो कर जाके कट करके आना होगा वो 100 के लगभग, और जो एवरेज है वो 70 मीटर के लगभग है। तो जाने और आने का मतलब यहाँ से सपोज ये F4 फेस है, F4 फेस से यहाँ जाके डम्प करने का और फिर वापस आने का जो टोटल टाइम है उसकी बात कर रहा था। अगर एवरेज स्पीड उसकी 6 किलोमीटर पर आवर ले लिया हमने, जितना भी होगा उसके एवरेज लीड डिस्टेंस के हिसाब से 2 बार आना जाना होगा उसको, और बाकी किलोमीटर पर आवर है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 66 कर दिया, डिवाइड बाई जो भी 1000 से करके हमने कैलकुलेट कर लिया कितना मिनट आ गया। ठीक, और फिर लोडिंग और अनलोडिंग टाइम जो है उसका 1 मिनट ले रहा है, और प्लस टर्निंग टाइम मतलब अगर यहाँ से उसको टर्न करके रिटर्न करके वापस आना है, जैसे यहाँ पे लोड किया, लोड करते समय उसको समय लग रहा था जैसा कि आप देख रहे थे बस वीडियो में, फिर अनलोड करते समय भी समय लगेगा, टर्न करके वापस आना है, फिर यहाँ से भी टर्न करके उसको वापस जाना है, तो उस केस में हमको लग रहा है वहाँ पे 1 मिनट। टोटल साइकिल टाइम जो है LHT का उसका 3.5 मिनट। तो अगर आप देखो कि साइकिल टाइम में क्या क्या होता है, पहला तो आना जाना, लोड अनलोड करना, टर्न करना, ये तीनों मैक्सिमम मिला के जो बाकी सब में होता था, जैसे कि कोई भी मशीन उठा लो जो ट्रेवल कर रहा था, उस केस में हमेशा ऐसे ही साइकिल टाइम देख रहे थे, जैसे सरफेस माइनर कैलकुलेट करते थे ऐसे ही कट करता था, कट करते समय जो टर्न कर रहा था तो साइकिल टाइम ऐसे ही लेते थे। तो कितना ट्रिप 1 घंटे में कर पाएगा कि अगर 3.5 मिनट उसको एक साइकिल के लगता है, साइकिल मतलब समझ गए होगे, क्लियर होगा पूरा। तो साइकिल में हम देखो 3.5 मिनट, तो नंबर ऑफ ट्रिप 1 घंटे में कितना कर पाएगा, 17। और अगर बकेट कैपेसिटी उसकी 1.5 मीटर क्यूब है तो कितना करेगा वो देख लिए। तो अगर कुछ एफिशिएंसी है या फिर तो बाकी सब चीज़ें जो हैं उसका, सपोज लोडिंग वही अगर रहता है कि एफिशिएंसी कितना है तो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल लेते हैं और ये आ जाएगा ये वाला इतना। अब उसके हिसाब से बाकी क्या कैलकुलेशन वाला तो हम लोग पार्ट करते ही है ना, कि कैसे हम लोग उसको बकेट कैपेसिटी से निकालते थे, इसको कितना वो लोड अनलोड करेगा, और लोडिंग सिस्टम जो है बाकी सब जो है SDL के जैसे ही है कि कैसे बाकी एक्सटेंड कर रहे हैं। और जब आते हैं गैदरिंग आर्म लोडर और शटल कार पे, आप तो जैसे LHD क्या कर रहा था, लोड हॉल डम्प कर रहा था, गैदरिंग आर्म लोडर का ऐसा कुछ नहीं है। शटल कार जो है इसके बिहाफ पे क्या करेगा कि वो हॉल करेगा और डम्प करेगा, और जो गैदरिंग आर्म लोडर है वो क्या कर रहा है, लोड कर रहा है। तो दिखता कैसा है इसमें आप क्लियर हो जाओगे। तो ये क्या करता है कि ये जो आगे वाला स्क्रेपर प्लेट है ये वाला, इसको पुश करेगा मटेरियल में, तो गैदरिंग आर्म वाला कैसे ऑपरेट करता है। और ये शटल कार है, शटल कार के बारे में बता चुका हूँ मैं जब सर पे वो कंटिन्यूस मैंने पढ़ा रहा था। तो इधर देखो
ये वाला, हाँ इसी वाले से देखते हैं। तो सेंट्रल चेन कन्वेयर है, पीछे से फिर वो डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा तो किस पे आएगा, ये शटल कार पे लोड करेगा उसको। तो इसको जब पुश करता है, जो भी सपोज वो फेस पे हमने ब्लास्ट किया, फिर बाकी सब जो ऑपरेशन है, साइकिल ऑपरेशन जैसे एलएसडी में होंगे, जैसे एसडीएल में होंगे, वैसे इस केस में भी हो रहे हैं। बस वेरी कहाँ पे कर रहा है कि जो लोड हॉल और जो डंप